हेलो, कैसे हो सब? अभी आज बज रहे हैं 4 और बाल देखो रेड रेड हो चुके। 2 बार मेहंदी लगा दी, कल आपको नहीं दिखने को मिलेगा ये बाल। ये नजारा आज भर है, कल इंडिगो लगा लूँगी सुबह, मतलब 10-11 बजे। आज मैंने थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, डार्क डार्क सा लग रहा है ना शाम के टाइम। अब देखिए इतना लगा रहे कि मैं उंगली में भी नहीं लग रहा, लग रहा है क्या पता नहीं। जो भी बाल लाल लग रहे, थोड़ा अलग भी लग रहा है थोड़ा फैशन। और मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर, तो मैंने इसमें पालक धुल करके रख दी हूँ। मैंने कहा शाम की रेसिपी शेयर करेंगे और शाम को ही हूँ। और मैं ये लेके आई हूँ, यहाँ पे अमूल वगैरह कम मिलता है, यहाँ पे मिलता है लोटस, लोटस का पनीर मिलता है, लोटस सोप पनीर। हाँ, लोटस का पनीर और ये मिलता है 70 रुपये का 200 ग्राम। तो ये देखिए, नहीं 65 65, सॉरी सॉरी, नहीं 65 का पहले मिलता था, अब 70 रुपये का हो गया, 70 रुपये लिखा हुआ। तो 200 ग्राम पनीर लेके आई हूँ। हेलो, कैसे हो सब? आज है शाम का टाइम, तो बाल लग रहे हैं मेरे बिल्कुल रेड रेड ब्राउन ब्राउन सा। तो कल लगा लूँगी इंडिगो पाउडर, तब नहीं दिखेगा, ठीक है? क्योंकि कलर इस बार लगा ही नहीं मैंने, जब से छोड़ी हूँ। कोई बात नहीं, 2-3 दिन कलर ऐसे लगेगा। और आज मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक हल्की सी लगाई, हल्की बोरो प्लस लगाती हूँ, हल्की सी लगा ली। और कुछ नहीं, मेहंदी वाले बाल धुली सी बस, ऐसे मैंने डिजाइन से थोड़ी कमी, ये देख के ऐसे ब्राउन ब्राउन लग, कल नहीं दिखने को मिलेगा आप लोगों को। और ये मैं बना रही हूँ पालक पनीर, तो ये पालक वाले सारे साफ किए हुए, अभी कचरा फैला हुआ है तो अभी इसको साफ करेंगे। और ये पालक मैंने इसमें मतलब 250 ग्राम ही पालक लेके आई, क्योंकि हम 2 जने ही हैं ना, तो ये इस पर मैंने चढ़ा दी। और मैं लेके आई हूँ लोटस का पनीर, ये 200 ग्राम, 200 ग्राम मिलता है, ये उल्टा दिख रहा है, 70 रुपये का 200 ग्राम पनीर। अच्छा होता, सॉफ्ट होता है ये भी। तो आज इसको साफ़ सुथरा करता, तो प्याज लहसुन सब काट लेती हूँ। और कैसे मैं बनाऊँगी आज पालक पनीर, सब बनाते हैं लेकिन थोड़ा सबका अलग अलग होता है, तो स्वाद में चेंज हो जाता है ना। तो मैं पालक पनीर बनाऊँगी, और या तो सेवियाँ बनाऊँगी या तो कुछ और बनाऊँगी, मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बने रहना, तब तो मैं प्याज लहसुन वगैरह मसाले तैयार कर लेती हूँ, ठीक है? मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मुझे तो पता ही नहीं सर, मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला है। सॉपी इतना बड़ा पैकेट लेके आया था ना कुरकुरा सबका, मैंने पूछी किसका है, किसका है? रिहान साथ में आया हो तो बोल रहा है मेरा है। मैंने कि तू क्या करेगा इतना सारा लेके, तो बोल रहा है मैं बांटूंगा गरीब बच्चों में। मैं एक बार दिखाती हूँ इतना सारा लेके आया, ये बुद्धि कहाँ से आई भाई? गरीब लोगों वाली बांटने वाली बुद्धि तो मेरी है। दिखाती रुक जाए आप लोगों को, चलो बुद्धि ऐसे बनी रहे। पर ये लिखी उनको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, फ्लेवर के क्योंकि 2 है ना मेरे को वैसे पड़ रहे हैं 18-17, मतलब 17-18 हज़ार में पड़ रहे हैं, और वैसे 13,200 मिल रहा है मेरे को दोनों, और साथ में प्रोटीन बार और वो फ्री भी आ रही है। ओए होए, मुझे भी दे देना एक एक सब कुछ ऐसे पैकेट में, अभी पैक करेगा सब कुछ तो रिहान, इसीलिए नहीं मैंने ऑनलाइन वो करके देखा था में, कल मैंने कल ही देख लिया था मैं प्रोटीन की साइड पे, तो समथिंग बच्चों को बुद्धि देना वगैरह लग के लग रहा है। ये बुद्धि मेरे बच्चे के पास कहाँ से आया? और अभी ये मेरे को 13,200 में पूरा पड़ जाएगा। स्वप्निल ऐसे देख इधर, हाय बोलो। हाँ, 2.5 किलो। आज बर्थडे है स्वप्निल का, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, जो जो 19,000 मतलब 18। अरे नमकीन गिर जाएगा तेरा, नमकीन गिर जाएगा, अरे ढोलू कुरकुरे है। एक ये एक एक करके बिस्किट देगा, कैसे देगा? पैकेट बनाऊंगा, पैकेट बना के मुझे दिखाना। ये चॉकलेट है, ये बिस्किट है, और ये अलग तरह तरह की है। आज तो स्वप्निल ने कमाल कर दिया, सिमरन के अंदर ये गुण था, स्वप्निल के अंदर कहाँ से आ गया ये गुण? मतलब कम करके डिस्काउंट। स्वप्निल अगर पापा सबके पास देगा तो बोलेगा क्या बांटना है, हम लोग ही भकोस लेते हैं सारा। वही तो अभी मंगाया ना, तो है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कैसे ये पैक करता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है सच्ची में, मैंने इसको बताई भी नहीं थी। मुझे बहुत मतलब ये लग रहा है सच में, मुझे भी ये सब चीज़ काम बहुत पसंद है, गरीब लोगों को देना। गरीब तो खैर सब है ही गरीब, सभी गरीब है, कोई अमीर नहीं है। लेकिन चलो ये बुद्धि आया ना, केक एक इसने इस बार काटा नहीं, बोले दोस्तों को पार्टी में बाद में दूंगा, किसी का पेपर चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो रिहान इसका आता रहता है ना दोस्त, रिहान के लिए मैं पनीर मतलब स्वप्निल मैं और रिहान 3 जने पनीर बना लेंगे, सेवे की खीर बना लेंगे, और मतलब रोटी या चावल जो भी होगा वो बना लेंगे। ये तो मुझे सच्ची में बहुत ही अच्छी मतलब मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ऐसे देख करके ये काम। सिमरन को बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ पसंद है, और ये भी कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। वो आंटी मिल जाती ना, आंटी तो अब पता नहीं कब मिलेगी, 2-3 पैकेट में रखती हूँ उन लोगों को देने के लिए। कोई बात नहीं, कोई कर रहा है तो
तो ठीक है, आप लोग बने रहो, और कैसे पैकिंग करता है मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए इतना सारा ले आया, ये तो चला गया उसका दोस्त, करवाया भी नहीं। और ये पता है मैं अब अकेली उसको छोड़ तो दूंगी, उसको तो आता नहीं इतना करना। ऐसे ऐसे पैकेट बनाना है, मतलब कितना देर लगा गया इतने सारे में। अब ये पैकेट ख़त्म हो गई है, दोबारा गया है लेने, तो हम दोनों माँ बेटे मिल के ये करेंगे पैकिंग। अब आप लोग बने रहना, मैं क्या कर सकती हूँ। अब वो पालक भी मेरा आधा से ज़्यादा थोड़ा सा जल गया, तो क्या कर दिया, ज़रूरी है, वो बच्चा है, वो समझ नहीं पाता है। ले तो आया उठ करके दौड़ करके, मैंने उसको बोली भी कि एक पैकेट आता है ना वहाँ पे पैकिंग वाला, समझता तो है नहीं, जो कुछ समझता है वही समझता है। और कितना देर लगेगा पैकेट बनाने में, तो आप लोग भी क्या ऐसे, ये बात है ना कि हाथ में अगर दे देना तो नोचने लग जाते हैं सारे, ऐसे पटक पटक के नोचने लग जाएंगे। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, आगे से ऐसे पैकेट लेके खाना तो बाद में बना लो। चला गया वो, कहाँ कहाँ गया वो, गया अपने घर, क्यों बोला मैं थोड़ी देर में आऊंगा, उसके भरोसे तू लेके बैठा था ये सब। नहीं नहीं और मैं खुद ही बनाने वाला था ये पैकेट, पैकेट जो तू लेके आया उससे अच्छा वो लेके आ जाता ना, क्या? वो जो छोटे क्यों बनाया आपने, क्या फैला फैला दूंगी कि वो पैकेट भी इतना, कितने पैकेट बने बेटा मेरे से, क्या वो तो कुछ भी नहीं किया। अरे आपकी तो बात कर रहा हूँ, मेरे से क्या कटिंग करना होता है, सब कुछ डालना होता है, मेरे से पांच कितने पैकेट बने, चार पांच बन गए, दो चार छह बन गए। हाँ अभी कितने सारे बता ना, 14। अब मैं खाना क्या बनाऊंगी रात को, यही बनाती हूँ। ठीक है आप लोग बने रहो, और हम लोग बना रहे हैं स्वप्निल और मैं मिलकर बनाऊंगी। अब दोनों स्वप्निल भी नहीं कुछ करने वाला है, कैसे सत्यानाश करेगा। हम लोग बना के पैकिंग जब पूरी हो जाएगी फिर आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है, तो आप लोग बने रहो। ये देख लो आप लोग, ये सारे पैकेट हमने बना दिया ऐसे ऐसे करके। अब इसको एक थैले में डाल देते हैं, ऐसे करके दे, एक एक पकड़ाते जाएगा अपना सबको। पैकेट इतना सारा बन चुका है, अब थैले में डाल देती हूँ, और थैले ढूंढना पड़ेगा मजबूत वाला। और पता नहीं आज पालक पनीर बनेगा कि नहीं, क्या ही बोलूँ मैं, सारे पैकिंग क्यों बैठ के इतने देर से, मैं ये तो बस ले आया और बताया भी नहीं। दोपहर में ला के अगर इसको देना ही था दोपहर में ला के दे देता मुझे, तो मैं अच्छे से वो कर देती ना। तो आप लोग बने रहो, मैं एक थैला ढूंढ रही हूँ थैला। ये देखिए वो बांटने गया था, बांट भी नहीं पाया दो तीन जने को, और स्कूटी मतलब टकरा गया किसी, कोई सामने आ गया था सपने। और देखिए हाथ वाथ छिल के पैर में भी लग गया है, ये देखिए पैर में भी छिल गया है। और एक लड़का था साथ में, वो सामान जैसे लेके गया था इसमें थैले में भी खून लग गया था, इसमें भी लग गया जैसे लेके गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल दोपहर में जाके बंटवा दूंगी, वो बच गया, नहीं तो आज क्या होता पता नहीं। गाड़ी आगे सामने लोग चलाते हैं ना, ओए पूरे जूते में देख खून ही खून लगा हुआ है, हाथ से खून बहुत निकला था, बहुत निकला खून, बहुत हाथ से बहुत खून निकला था। ऐसा लटका के रखा था, ऊपर नहीं किया था, यूं ही था मतलब यहाँ से पूरा गिर गया ना, बताना तो खून उन था कैसे, कौन किसका मुंह देख के ऐसे पूरा दिन ये जूता से उठा कर रखे यहाँ से घर से। तो ठीक है आप लोग, मैं वीडियो करती हूँ अंत यहीं पे, क्योंकि मैं सोची थी मैं पालक पनीर बनाऊँ किसी और दी रेसिपी शेयर करूँगी, आज मन खराब हो गया है। तो ठीक है, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में।